हेलो मरीजान, क्या हालचाल? सब बढ़िया जी? मैं भी अच्छा हूँ। एंड यार, आई एम सो सॉरी बिकॉज ये वीडियो मैं काफी लेट डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के चलते बहुत ज्यादा बिजी था, तो इसी के चलते मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस और डीजे आलोक का गिव अवे मिलता रहेगा। जी हाँ, उसके लिए आप जानती है आपको क्या करना है, बस इस वीडियो पर 5000 लाइक्स कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है? एंड आई नो आप करवा देंगे। और साथ ही आपको बता दूं, वीडियो के बीच में आपको 5 डिजिट का कोड मिलेगा। जी हाँ, उसको आप अपनी फ्री फायर आईडी के साथ कमेंट कर दीजिए और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसे लाइक का टारगेट जल्द ही कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं आने वाली वीडियो से आप में से किसी एक को रैंडमली डीजे आलोक गिफ्ट कर दूंगा। तो चलिए अब देर किस बात की, बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करो ना प्लीज। फ्री फायर के नए अपडेट के बाद आप दौड़ते हुए अपने चारों ओर देख सकते हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन चलते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चलते हुए 360 व्यू बटन ही गायब हो जाता है। अच्छा भैया, ऐसा मतलब कि जो नई वाली अपडेट आई है उसमें अब गरीना फ्री फायर ने 360 व्यू एंगल दिया है, लेकिन वो सिर्फ दौड़ते हुए काम करता है, चलते हुए नहीं। ओके ठीक है, चलिए ऐसा करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है? सो मैं गेम के अंदर आ चुका हूं और अब चलिए मैं दौड़ते हुए 360 देखता हूं। मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं दौड़ते हुए अपने चार उतराव। ओके अब मैं नॉर्मली चलते हुए 360 देखने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अरे ये क्या, यहां तो यार बटन ही नहीं आ रहा जिससे मैं 360 देखता हूं। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप दौड़ते हैं तभी आप 360 अपने चारों तरफ देख पाएंगे और चलते हुए नहीं देख सकते। ये वाला मेथड वाकई में काफी इन्फॉर्मेटिव था। सो दिस मेथड इज कंफर्म्ड। गेम स्टार्ट करिए और लॉबी में जाकर क्रैकर जलाएं, वहां आपको एक ड्रैगन का एनिमेशन देखने को मिलेगा। ओके ओके ठीक है, हम ये करके देख लेते हैं। सो मैंने कर दिया ये गेम को स्टार्ट और अब मैं आ चुका हूं लॉबी में। चलिए मेरे पास एक क्रैकर है, इसको जलाते हैं, ठीक है? ओहो, यहाँ तो एक बड़ा सा ड्रैगन का एनिमेशन देखने को मिल रहा है और इस बंदे ने भी मेरे बराबर में पटाखा जलाया है और इसके पटाखे से भी ड्रैगन का बड़ा सा इन्वेंशन देखने को मिल रहा है। ये जो अपडेट आया है यार, ये वाकई में बड़ा कमाल का है मेरी जान। इस बार ग्रीना ने काफी अच्छी अच्छी चीजों को अपडेट किया है, जिसे फ्री फायर खेलने में यार बड़ा मजा आएगा। ये वाला मेथ यार वाकई में काफी इन्फॉर्मेटिव था। सो दिस मेथ इज कंफर्म्ड। मैप में सेंटोसा के पास जाइए और वहां आपको एक घर मिलेगा। अगर आप उस घर की बड़ी विंडो से जंप करते हैं तो आप फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी घर की दूसरी साइड बनी विंडो से जंप करते हैं तो आप इजली बाहर चले जाएंगे। ओके ठीक है, चलते हैं सेंटोसा और करके देखते हैं। ओके मैं आ चुका हूं और घर के ठीक सामने खड़ा हूं और शायद इसी वजह से विंडो के बारे में उन्होंने बताया था। चलिए अब अंदर चलते हैं। अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया? क्या बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जैसे ही बड़ी वाली विंडो से जंप लगाता हूं तो मैं यहां फंस जाता हूं और मैं घर के बाहर नहीं जा पाता, लेकिन जब मैं इस घर की छोटी वाली विंडो से जंप करता हूं तो यस, मैं आराम से बाहर आ जाता हूं। और एक बात और नोटिस करना, जब भी मैं छोटी वाली विंडो से जंप करता हूं ना, तो मेरी जो बॉडी है ना, वो विंडो से टकराने के बजाय उसके अंदर घुसकर बाहर निकल जाती है, जैसे कोई जादूगर है और बड़ी आसानी से दीवार के आर पार जा रहा है। ये सच में बड़ा अमेजिंग था यार, मुझे करके अच्छा लगा। दिस मेथ इज कंफर्म। गेम को स्टार्ट करिए और लॉबी में रखे हुए टायर के ऊपर चढ़कर जंप करिए। इस तरह आप हवा में ज्यादा ऊपर नहीं जंप कर पाएंगे, लेकिन आपको पता ही है कि टायर के ऊपर जंप करने के बाद हम कितनी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन लॉबी में ऐसा नहीं है। सही बोला है, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम टायर के ऊपर जंप करते हैं तो हमारी बॉडी काफी हाइट तक जंप करती है, लेकिन क्या लॉबी में रखे हुए टायर के ऊपर हम जंप करते हैं तो क्या सच में हम ऊपर नहीं जाएंगे? चलिए इसे लॉबी में ही ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ लॉबी में और यहाँ आप देख पा रहे हैं फिर से वो ड्रैगन वाला एनिमेशन है और हाँ वो रहा टायर। ओके अब मैं उसके ऊपर चढ़कर जंप करता हूँ। हाँ यार, मैं कब से इसके ऊपर जंप कर रहा हूँ लेकिन कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे कि टायर के ऊपर जंप करने पर होता है। ऐसा लग रहा है मैं बस उछल रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? अगर यहाँ भी चीज वर्क करती तो यार मजा ही आ जाता। मैं लॉबी में जब भी आता तो यहाँ पर भाई जंप करके ही आता। आने वाले अपडेट में हो सकता है कि हमें चीज देखने को मिल जाए। वेल दिस मेथ इज कंफर्म्ड। अगर आप रिवर जल्दी क्रॉस करना चाहते हैं तो पानी में तैरने के बजाय सर्फ बोर्ड का इस्तेमाल करिए, उसकी स्पीड नॉर्मल तैरने से ज्यादा मिलेगी। ओके ऐसा है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सर्फ बोर्ड से हमें पानी में ज्यादा स्पीड मिलती है और हम जल्दी रिवर को क्रॉस कर लेंगे। वेल अगर ऐसा है तो ये बहुत ही काम का मेथ है, इसको एक बार ट्राई करना बनता है, तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर समंदर के पास, चलिए अब मैं नॉर्मल ही तैर कर देखता हूँ।
ओके, नॉर्मल में मेरी स्पीड ये है, ठीक है? अब मैं सर्व पोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सर्व पोर्ट का इस्तेमाल करके मुझे कुछ ज्यादा स्पीड मिली है। मेरे ख्याल से ये उतनी ही स्पीड है जितना कि पानी में नॉर्मल तैरने पर मिली थी, तो मुझे यहाँ पर कोई स्पीड में डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। दिस मिथ इज बस्टेड यार। अगर आप पानी में सिर्फ बोट पर खड़े होकर कोरोनो की एबिलिटी को ऑन करते हैं तो आपकी आधी बॉडी उस सीट के बाहर होगी और ऐसे में आपको कोई भी हेडशॉट मार सकता है। ओके, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ पानी में और चलिए मैं अब सर्फ बोर्ड पर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने कोरोनो की एबिलिटी को ऑन कर लिया है। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है। इस तरह से मैं सिर्फ आधा ही सीट से कवर हूँ और मेरी आधी बॉडी सीट से बाहर है। इस तरह से मुझे कोई भी आसानी से हेडशॉट दे सकता है। वेल, ये अलामत बड़ा काम का लगा मुझे। दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। अगर आपके पास भी मिथ है तो प्लीज लिखे, कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपके मिथ्स भी मैं ले सकूं। वेल, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है?